देखो, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा ना, तो मतलब ये जो तीन जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपके बहुत काम आने वाला है। हो सकता है आपको ये पहले से जानकारी पता होगा, लेकिन मोस्टली अगर आपको नहीं पता होगा, मतलब मेरे जितने व्यूअर हैं ज़्यादातर को अगर नहीं पता होगा, तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है ना तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो वीडियो को देखो, और चैनल पर पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर फाइल मैनेजर को लॉक कर दियो या गैलरी को लॉक कर दियो, ये सोच के कि मेरा जो फ़ोटो और वीडियो है वो कोई देख नहीं सकता बिना पासवर्ड के, तो आप गलत हो। अगर आपके दोस्त अगर आपका फ़ोन लेते हैं और वो क्रोम के अंदर ये बस लिखेंगे ना, फाइल कॉलन ट्रिपल स्लेस और एसडी कार्ड, इतना लिखेंगे क्रोम के अंदर, तो आपके फाइल मैनेजर का पूरा फोल्डर क्रोम के अंदर शो होने लगेगा, और फोल्डर को ओपन करके आपका फोटो और वीडियोज़ को कोई भी देख सकता है। तो अगर ये जानकारी आपको पहले से नहीं पता होगा तो क्रोम को भी लॉक करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका फ़ोटो वीडियो को ना देखे तो। देखो, बहुत सारे लोग पैसा कम के वजह से सेकेंड हैंड फ़ोन को ख़रीद लेते हैं, और जो लोग भी सेकेंड हैंड फ़ोन ख़रीदते हैं उनके माइंड में एक सवाल हमेशा आता है कि मैं जो फ़ोन ख़रीदने जा रहा हूँ उस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगा, मतलब जो फ़ोन बेच रहा है मुझे वो किसी फ़ोन में प्रॉब्लम की वजह से तो मेरे को फ़ोन नहीं ना बेच रहा है, ये हमेशा माइंड के अंदर क्वेश्चन आता होगा। तो इसका मेरे पास एक सोल्यूशन है, जब भी आप फ़ोन को सेकेंड हैंड फ़ोन को ख़रीदने जाओ तो फ़ोन को ले करके उसमें एक कोड डायल करो, *#0*#, इतना आप डायल करोगे ना उस फ़ोन में तो एक नया विंडो ओपन होकर के आएगा, और उस विंडो में बताया जाएगा कि आप चेक कर सकते हो कि टच जो स्क्रीन है उसका टच सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो चेक कर सकते हो, जो स्पीकर है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं ये भी चेक कर सकते हो, माइक चेक कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप आसानी से इस कोड के थ्रू चेक कर सकते हो कि फ़ोन सही से काम कर पा रहा है कि नहीं। अगर आपको पता करना है कि जो आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हो उस एंड्रॉयड फ़ोन का EMI नंबर या फिर जो फ़ोन यूज कर रहा हूँ उसका सीरियल नंबर क्या है, तो बस आपको सिंपली ये डायल करना है *#06#, इतना आप अपने फ़ोन में डायल करोगे ना तो आप अपने फ़ोन का EMI नंबर और फ़ोन का सीरियल नंबर दोनों ही देख पाओगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।